नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निपुण चौधरी और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा Redmi Note 9 Power का। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं ये किस हालत में आया। दोस्तों Amazon से मैंने इसको मंगाया है और कुछ इस हालत में ये आया था मेरे पास। दिखाना ज़रूरी नहीं था पर फिर भी चलो दिखा देते हैं, जैसे आपको पता लगे कि Amazon की पैकेजिंग आजकल कैसी हो गई है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं फ़ोन को। ये है दोस्तों फ़ोन Redmi 9 Power, डब्बे में लिखा बड़ा बड़ा 6000 mAh की बैटरी। बैक साइड में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे फुल HD डिस्प्ले है, 662 का इसमें आपको स्नैपड्रैगन का इसमें सपोर्ट मिलेगा। अब हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में एज़ यूजुअल इसके अंदर एक कवर होगा फ़ोन का और ये रहा हमारा फ़ोन। दोस्तों एक हाथ से अनबॉक्सिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है पर आपको थोड़ा सहना पड़ेगा। बॉक्स के अंदर मिलेगा आपको एक टाइप सी केबल जो कि ये है, जो कि इस रेंज में जो मिल रही है बहुत ही काबिल तारीफ है, और साथ ही मिलेगा एक आपको वॉल अडेप्टर। तो दोस्तों फ़ोन का मेन अट्रैक्शन है इसका कैमरा। कैमरा दूर से दिखने में ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा कैमरा बम्प है पर असली में इसका कैमरा बम्प बहुत ही मिनिमम किया हुआ है। और नीचे इसमें जो इसका स्टीरियो स्पीकर्स वो बहुत ही काबिल तारीफ़ हैं इस रेंज में। साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर है और ऊपर IR ब्लास्टर और 3.5 mm का हेडफोन जैक मिलेगा। IR ब्लास्टर मेरा सबसे फेवरेट रहा है क्योंकि इनके जो Redmi सीरीज़ में आपको IR ब्लास्टर का इसमें सपोर्ट मिल जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कैमरा बम्प बहुत ही लीस्ट दिया हुआ है और एक बहुत बड़ा Redmi का एक जो इनका ट्रेडमार्क है वो इन्होंने इसमें छाप के दिया हुआ है। अब कर लेते हैं फ़ोन को ऑन और फ़ोन ये हमारा ऑन हो रहा है। तो कुछ वैसे बताऊँ, मैं कुछ दिनों से इस फ़ोन को इस्तेमाल किया, हालांकि ये फ़ोन 9000 का है पर मेरा पास जो ये वेरिएंट है ये 4128 का है जो कि मुझे 12000 का पड़ा। अगर मैं 12000 की बात करूँ इतना कोई ख़ास मुझे नहीं लगा। हाँ अगर इसकी जगह अगर मैं Redmi Note 10 लेता तो हाँ वो बहुत अच्छा फ़ोन है, बहुत बढ़िया फ़ोन है। बस इसका मेन अट्रैक्शन है 6000 mAh की बैटरी। हाँ उसमें मुझे बैटरी के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता पर परफॉर्मेंस के हिसाब से Redmi Note 10 काफ़ी धासु और बढ़िया है अगर मैं Redmi 9 Power से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो। तो दोस्तों जैसे कि सेम एज यूजुअल इसमें MIUI 12 का इसमें सपोर्ट है और कुछ प्रीलोडेड ऐप्स मतलब कि इसमें आपको मिलेगी, आपको अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। और मैं करो फील के हिसाब से मतलब कि 9000 को देखते हुए फीलिंग काफ़ी मतलब कि ग्रिपिंग काफ़ी अच्छी है। एक फील है कि बहुत कुछ एक छोटा सा फ़ोन है आपके हाथ में। और जैसे कि मैंने बताया कि इसमें जो मेरे पास जो वेरिएंट है आप स्क्रीन में भी देख पा रहे हैं 128 वाला वेरिएंट है और 4GB इसकी रैम है। बाकी ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि डिवाइस में अवेलेबल है। ओवरऑल मुझे ये फ़ोन इतना ख़ास नहीं लगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। कैमरा सेक्शन भी मतलब कि इतना कोई ख़ास इंटरेस्टिंग नहीं है। हाँ अगर कीमत को देखा जाए तो ठीक है, दे दिया है कैमरा पर मैं कोई वाव वाली बात नहीं कहूँगा कि भाई कैमरा बहुत ही ज़ोरदार है। हाँ क्या पता अपडेट के बाद कैमरा थोड़ा सा इम्प्रूव कर दें ये लोग, पर फ़िलहाल जो मैंने इसको टेस्ट किया है, यूज़ किया है, मुझे कैमरा सेक्शन बहुत बेकार लगा। फ्रंट का कह लो या बैक का कह लो मतलब कि इतना कोई ख़ास नहीं है। हाँ पैसे को देखते हुए फिर भी सो एवरेज, मतलब कि कुल मिला के मैं अपने Note 10 को ज़्यादा मिस कर रहा था कि भाई अगर Note 10 ले लेते इसकी जगह तो काफ़ी हद तक एक अच्छा होता, मतलब कि थोड़ा नुकसान नहीं होता। तो ओवरऑल इम्प्रेशन दोस्तों मुझे फ़ोन इतना ख़ास अच्छा नहीं लगा। सिर्फ एक 6000 mAh की वाली बैटरी है पर उसके ऊपर आप एक फ़ोन चूज़ नहीं कर सकते और वर्डिक्ट बिल्कुल भी मुझको पसंद नहीं आया ये वाला फ़ोन। इसकी जगह आप Redmi Note 10 ले लो, वो फ़ोन ज़्यादा अच्छा है इसके मुकाबले। तो दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो दोस्तों कर दो इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्यूचर में अपडेट्स पाने के लिए। थैंक यू।